वहां पर आपको ये गोदे लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे झगड़ा करते हैं। इस वजह से ही जो है इनसे दूर ही हमें रहना पड़ता है। तो ये गायें अब जा रही है, जो यहाँ पर इनके सारे के अंदर लापसी मिलाई गई थी वो खाने के लिए। तो गाइज मेरे पीछे आप ये गौशाला देख सकते हो, तो आज ये गौशाला फिर से आपको दिखाएंगे। पहले इसका व्लॉग आपको इस चैनल के अंदर मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। तो आज इस गौशाला के अंदर जो है जो लापसी होती है वो गायों को खिलाई जाएगी। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे जो है उनको खिलाई जाती है और कैसे मैनेज की जाती है इतनी सारी गायों को। तो चलते हैं अंदर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गोविंद राम अग्रवाल। और ये लापसी आपने बनाई है? जी जी। तो कितने साल से आप ये काम कर रहे हो, मतलब गौ की सेवा कर रहे हो? मैं 2 साल से इस गौशाला से जुड़ा हूँ। अच्छा। मेरा मूल गांव सेफरा गुवार है जी। मैं वर्तमान में नीम कथाना रहता हूँ। अच्छा। तो मेरे गांव की गौशाला होने से मेरा इससे लगाव है जी। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि यहाँ गौ माता की सेवा करने का अच्छा स्थान है जी। और यहाँ गौ माता का वास है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि गाय हमारी माता है और इसकी सेवा करने से व्यक्ति को सभी लाभ मिलते हैं, उसको किसी भी तरह की कमी नहीं रहती है। प्रत्येक व्यक्ति का ये धर्म है हमारा कि हम गौ माता की सेवा करें और पहला जो रोटी होती है वो गाय के निमित्त ही हम निकालें। और व्यक्ति का उद्देश्य यही है कि गौ माता बचेगी तो देश बचेगा और देश बचेगा तो हम भी उसी में से एक आएंगे। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि गौ माता की तन मन धन से सेवा करें और इससे बहुत बड़ा लाभ होता है। तो आप अकेले ही ये कर रहे हो या आपके साथ में लोग? नहीं, मैं परिवार से, मेरी पत्नी, मेरा परिवार जो है हम आते हैं। एक महीने से मैं आता हूँ और मैंने काफ़ी लोगों को नीम का थाना से जोड़ा है। नीम का थाना में अन्य लोगों को भी मैं 3-4 दफ़े यहाँ लेकर के प्रोग्राम मैंने करवाया है और इससे जो है ना हमको आत्म शांति प्रसन्नता होती है। तो ये यहाँ पर रहते हैं, पूरी गाय की देखरेख यही करते हैं। तो आपका शुभ नाम क्या है? किशन लाल देवासी। कितने साल से यहाँ पर आओ? 2016 के लास्ट से। लास्ट से कितनी गाय है यहाँ पर? यहाँ है 385। 385 गाय जी। तो सबकी देखरेख आप ही करते हो? जी, हमारा परिवार है। अच्छा, आपका परिवार आप करते हो जी। तो भाई ये यहाँ पर की गौ, ये इसका गेट देख सकते हो, काफ़ी विशाल गेट है। और यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है। तो आज यहाँ पर जो है जो लापसी होती है वो गायों को खिलाई जा रही है। तो चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि कैसे जो है गौ माता को लापसी खिलाई जाती है और किस प्रकार से। तो चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। आज हम आपको दिखाते हैं गाय की जो लापसी होती है वो किससे बनती है। यहाँ पर देखिए खेली है पानी की, और ये है वो गौशाला जो कि चिंचड़ोली गांव के पास में 2 किलोमीटर दूर है ये चिंचड़ोली गांव से गौशाला। और यहाँ पर जो लापसी वगैरह बनती है वो दिखाते हैं कि कैसे बनती है और जो कितनी लापसी यहाँ पर बनती है। तो अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो गाय की लापसी है वो यहाँ से देखिए कुंडों के जरिए यहाँ पर अंदर जो जहाँ पर गाय चारा चरती है वहाँ पर लेके जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो लापसी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर भी काफ़ी सारी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और अंदर कहाँ पे डालते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तो इधर से जो भी गाय थी यहाँ पर अंदर उन सबको यहाँ से निकाल दिया गया है, क्योंकि गाय जो है कुछ गोदे भी हैं जो कि किसी को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर डाली जाती है पूरी की पूरी, आपको जो लंबी कतार दिख रही है और उस साइड में जो है डाली जा रही है। देख लीजिए काफ़ी लंबी चौड़ी है जो गौशाला है। यहाँ पर काफ़ी सारी गायें थी जो अभी यहाँ से निकाल दी गई है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा गायें थी। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ये डाली हुई नज़र आएंगी, यहाँ से देख लीजिए आप, यहाँ पर ये पूरी लापसी जो है गायों के लिए डाली गई है। और यहाँ पर जो गायें अंदर रहती हैं उनके लिए यहाँ पर पानी पीने के लिए खेली बनाई गई है गोल टाइप के अंदर, और यहाँ पर एक नल लगा हुआ है जिससे पानी आता है और एक वहाँ पर है पानी पीने के लिए। तो अब चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं। ये देखिए ऐसे कुंडों के अंदर डाल के जो है लापसी यहाँ पर आ रही है गायों के लिए।
अब चलते हैं यहाँ से बाहर और आपको दिखाते हैं कि जो यहाँ से गायें हैं वो कहाँ पर शिफ्ट की गई हैं। तो देखिए यहाँ पर एक मंदिर है और इसके पास में यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर जितनी भी गायें हैं उनके लिए चारा है सब गाय का, जहाँ पे यहाँ पे चारा है गौशाला का। और यहाँ पर देखिए गायें हैं जो कि वहाँ पर जो अभी जो लापसी वगैरह जो चारे के अंदर डाली जा रही है वहाँ पर जो है इनको लेके जाएंगे। तो वो देख लीजिए ये सारी गायें वहाँ पर थी, वहाँ से यहाँ पे लेके आए हैं, वहाँ पर जो चारा इनका डाल दिया जाएगा तो ये फिर से वहाँ चली जाएगी। ये आप देख सकते हो ये गाय हमारे पास आ भी गई है। तो इतनी सारी गायें यहाँ पर इस गौशाला के अंदर हैं और यहाँ पर ये इस साइड में भी कुछ गायें हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे गाय और गोदे हैं। तो देखिए ऐसे कुछ गोदे हैं जो कि लापसी वहाँ पर डालते समय किसी को चोट पहुँचा सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए काफ़ी सारे गाय हैं जो आ रही हैं यहाँ पर अंदर जा रही है। हम यहाँ पर पहले दूर चले गए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर यहाँ पर गायें आई हैं। और यहाँ पर देखिए अंदर वहाँ पर आपको ये गोदे लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर झगड़ा करते हैं, इस वजह से ही जो है इनसे दूर ही हमें रहना पड़ता है। तो ये गायें अब जा रही है जो यहाँ पर इनके सारे के अंदर लापसी मिलाई गई थी वो खाने के लिए। ये देख लीजिए यहाँ से ये जा रही है और यहाँ पर काफ़ी सारी गायें हैं और ये देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर गायें यहाँ से जा रही है। तो गाइस आज हमने आपको दिखाया कि गौशाला के अंदर जो लापसी वगैरह गायों को कैसे खिलाई जाती है। यहाँ पर भी काफ़ी सारे गाय अभी बाकी हैं, तो जैसे ही वो गाय वहाँ पर खान वो सारा खा लेंगी चारा वगैरह तो यहाँ से इन गायों को लेके जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी और वीडियो के अंदर। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।